लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। नाम जुड़वाना हो तो 6 भरेंगे और नाम में कहीं संशोधन कराना है अपने तो 8 भरेंगे। ये आज पूरे भारतवर्ष में हर तहसील में हर विद्यालय में जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य ये है कि इसको इस तरह से सार्वजनिक रूप से मनाया जाए कि अगर कोई छूटा हुआ है या नहीं जागरूक है तो वो जागरूक हो। ये जो छोटे छोटे बच्चे हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं संभवतः सभी 18 से नीचे हैं, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जल्दी बड़े हो जाए और 18 साल पूर्ण करते ही अपना जो है नाम पंजीकृत कराएं। हमारे बीएलओज जो बहुत मेहनत के साथ कार्य किए हैं और वाकई प्रशंसा का कार्य किया है, तो मीटिंग के दौरान भी मैंने कई बार कहा था कि जो भी बीएलओज अच्छा कार्य कर रहे हैं मौका आएगा तो हम उनको जरूर प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। आज वो समय आया है और हमने उनको प्रशंसित किया है और एक मैसेज भी देना चाहता हूं कि जो बीएलओ प्रशंसा मतलब इस पंक्ति में नहीं है तो अगले वर्षों में वो आने का प्रयास करें। सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे इस कार्यक्रम को इतना बृहद रूप से इतना बढ़िया संचालन कर मतलब प्रायोजित करने के लिए अपने तहसीलदार साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, आरके साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे कुछ लेखपाल जो हैं जो इस कार्यक्रम को अपने मनोयोग के साथ लगे। मुझे नहीं अंदाजा था कि इतना अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तो हमें समय दिया है हमारे अधिवक्ता साथियों ने जो अपना अमूल्य समय हमारे साथ बिताए हैं, उसका भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सभी से अपेक्षा करता हूँ कि जो यहाँ उपस्थित है तो वो एक मैसेज लेकर के जाए, अपने पास पड़ोस हो या कहीं भी हो, इस चीज़ की चर्चा करें कि आज इस चीज़ का मतलब मतदाता दिवस था और सभी ने इस चीज़ की शपथ ली है कि सभी मतदाता बने। भारत वाक विधाता हूँ अब तो मैं मतदाता हूँ, इस टाइप के कोटेशन यहाँ लगे हुए हैं। सत्य और ईमान से सरकार बने मतदान से, बार बार उसी बात को दोहराना उचित नहीं समझता हूँ। अच्छे मतदाता बनेंगे, स्वस्थ मतदाता बनेंगे तो एक अच्छी सरकार का गठन कर पाएंगे और अच्छी सरकार का गठन होगा तो हमारा देश भी कहीं उन्नति की ओर जाएगा। तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि सभी से अपील करना चाहूँगा कि इस चीज़ को एक संकल्प ले लें कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है हमारी मतदाता सूची से बाहर ना हो। और एक प्रयास और करें कि यदि कोई मृतक हो गया है शिफ्टिंग तो उनका नाम अवश्य कटवा दें। अभी विदा लेना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी का योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद।